नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। हर साल 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने का है। ये बीमारी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। इस दिन जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रम में इस बीमारी के लक्षणों और इसके बारे में कई तरह की जरूरी जानकारी दी जाती है, ताकि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके और लोग खुद का बचाव कर सके। ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में ब्रेन में कोशिकाओं और ऊतकों की गांठ बन जाती है। इसे ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। सही समय पर अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा साबित होती है। लोगों को इसके खतरे के प्रति आगाह करने के लिए ब्रेन ट्यूमर डे पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और रैलियां निकालकर इसके बारे में जागरूक किया जाता है। आइए जानते हैं इस दिन को मनाने की शुरुआत कब से हुई। ब्रेन ट्यूमर का इतिहास। ब्रेन ट्यूमर दिवस हर साल दुनिया में 8 जून को मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार जर्मनी में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने आयोजित किया था। इस संगठन का मतलब लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करने का है, ताकि लोग इस बीमारी के बारे में जान सके और समय रहते इसका इलाज कर सके। डॉक्टरों के मुताबिक ब्रेन ट्यूमर के लक्षण: बार बार सिर में दर्द होना, उल्टी और मतली की समस्या होना, बहुत अधिक थकान और सुस्ती होना, सुनने में परेशानी होना, नींद ना आने की दिक्कत, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, दूर की नज़र कमज़ोर होना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, चलते चलते अचानक लड़खड़ाना, याददाश्त कमज़ोर होना, मांसपेशियों में ऐठन होना। इन लक्षणों वाले लोगों को डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार बीमारी नशीली दवाइयां है और शराब का अधिक सेवन करने के कारण भी इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इन लक्षणों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। इन लक्षणों के दिखने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, इसका इलाज कराएं। अक्सर लोग इन लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये आगे जाकर एक गंभीर समस्या बन जाती है। इस बीमारी का इलाज बहुत ही ज़रूरी है। इसका इलाज कई अलग अलग तरीकों से किया जाता है। सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी आदि के इलाज विकल्प है। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आप भी अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, और इसी तरह की जानकारी से लगातार बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21। आपके हक की बात।